कुछ मुद्दे ऐसे हैं संतोष जी जो गाजियाबाद से गाजीपुर या गोरखपुर तक बिल्कुल सबको हॉन्ट कर रहे हैं, जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा। अब प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है, अब वो कह रहे हैं 10 मार्च के बाद ऐसा हम करेंगे कि आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो जाएगी। तो आज हमने स्टोरी कराई है कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते। तो अब ये ऐसा मुद्दा है गांव में, हर गांव में, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध, तराई, रुहेलखंड, कहीं चले जाइए, आपको ये मुद्दा कॉमन मुद्दा है, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण ठाकुर दलित पिछड़े अगड़े सबके बीच में। महंगाई का मुद्दा बिल्कुल सबके बीच का मुद्दा है। किसान आंदोलन का हम कह सकते हैं वो प्रभाव मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरणों तक सीमित रहा होगा, अब आप जहां चुनाव हो रहा वहां किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं है, लेकिन खाद का संकट वहां है, आलू के बेल्ट में आलू का किसानों की समस्याएं हैं। तो ऐसे मुद्दे हैं, शहरों के अंदर भी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा शहरों में भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपेक्षाएं थी लोगों की, क्या होता है जब आप जिससे अपेक्षा ज्यादा करते हैं नाराजगी भी उससे ज्यादा होती है। जैसे लायक बेटा जब फेल हो जाता है इम्तिहान में तो पिताजी ज्यादा उसकी पिटाई करते हैं। तो अपेक्षाएं बहुत थी सरकार से, मोदी जी आए थे 2017 में, उन्होंने जिस तरह से अपने लिए वोट मांगा था, डबल इंजन की सरकार, योगी जी ने जिस तरह से वो किया, तो अपेक्षाएं बहुत थी। और काफी अपेक्षाएं तो हमारे मीडिया ने बढ़ा दी थी, ऐसा लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में और भारत में बिल्कुल एक नई क्रांति आ गई है। अब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। नौकरी की का समस्या किसी नौजवान से बात कीजिए आप, बिल्कुल कॉमन मुद्दा है, और इस पर लोग बाकायदा वोट भी दे रहे हैं। हमने तो मैं तो चैनलों पर बैठ रहा हूँ जो माइक लगाते हैं वोटिंग वाले दिन, तो जितने नौजवान हैं सब कहते हैं हम तो बेरोजगारी हमारे लिए मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, एक एक मुद्दा तो विकास तो सब बोल देते हैं, किस पे वोट दे रहे हो, विकास पे दे रहे हैं। आज तक कोई वोटर ऐसा नहीं मिला हमको जिसने कहा हो कि विकास पे वोट नहीं दे रहे हैं। ये तो ऐसा सामान्य है जैसे राम राम, एक सामान्य बात है कि आप कहते हैं ये संपुट का उपयोग जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो विकास किस पे दे रहे हैं जी, विकास पे दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, विकास पे दे रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रत्याशी विकास नाम का लड़ रहा हो तो उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी कि अरे हमें सारा वोट मिल रहा है। लेकिन असली मुद्दे जो हैं, अब विकास की परिभाषा अपनी अलग अलग है सबकी, असली मुद्दे जो है वो ये मुद्दे बेरोजगारी का, महंगाई का, और किसानों की जो रोज की समस्याएं हैं, खाद की समस्या हो, डीजल पेट्रोल हो, या आवारा पशुओं का मुद्दा हो, ये तो है। और इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है आर्थिक सवालों का, जिसमें शहरों के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनके अंदर भी इसकी पीड़ा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रसन्न, जबकि बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काउंट हमको अगर देखना है तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा के पक्ष में भी जाते हैं, उन पर भी वोट लोगों ने किया है, जैसे खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या अलग अलग कुछ एक 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 मना स्थिति ऐसी है आज भी जो कहती है कि साहब एक परसेप्शन है, एक उदाहरण है, हम आप उसे शायद सहमत ना हो, कि साहब कानून व्यवस्था तो बहुत सुधर गई है, पहले से अब बेहतर हो गई है। ये अलग बात है कि तमाम सारे कांड हम लोग रिपोर्ट किए हैं हाथरस से लेकर के और आगरा और प्रयागराज और तमाम सारी जो घटनाएं हुई है गोरखपुर की सब, लेकिन लोग ये कहते हैं जो भाजपा के पक्ष में बात जाती है कि साहब कानून व्यवस्था ठीक हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत लोगों ने कहा, और खासकर इसमें जो सवर्ण मतदाता है वो ज्यादा इस बात को कहते हैं। दूसरा, ये बात सही है कि हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश शुरू से की गई, जिस दिन सबसे पहले मुख्यमंत्री जी कैराना गए थे तब से कैराना चला, उसके पहले जिन्ना चला, उसके बाद अब अहमदाबाद के ब्लास्ट तक आ गए, उसमें मतलब साइकिल दीपक जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी, चर्चा नहीं होती है राइट जी, जितनी की पिछली बार होती थी, लेकिन उसकी भी चर्चा करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नहीं मिलता, लेकिन उस तरह की चर्चा करने वाले भी कुछ लोग मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको आज ही मैं बात कर रहा था किसी से, लखनऊ हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनसे मैंने पूछा भाई कांग्रेसी परिवार है पूरा, हमने कहा कैसा रहा, बोले तो कहा नहीं नहीं कांग्रेस की तो हालत अच्छी नहीं है, वो सीटें, मैंने कहा वोट दिया है कि नहीं दिया, बोले हाँ वोट दिया है हमने, तो उन्होंने अपना बताया कि उन्होंने तो अपनी पार्टी को ही दिया, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने बीजेपी को वोट दे दिया। मैंने क्यों बीजेपी को दे दिया वोट, मैंने पूछा, मेरे को तो कांग्रेस ही है दोनों लोग, बोले असल में जो ये अहमदाबाद वाला फैसला आ गया ना, और उसके बाद जो मोदी जी ने बोल दिया और थोड़ा सा व्हाट्सएप पे जिस तरह से पोस्ट आ गए उससे थोड़ा वो लोग डिस्टर्ब हो गए। तो है कुछ ऐसा, आप उनको नकार नहीं सकते, हम मानते हैं कि बड़े स्तर पर इसका असर भले ना पड़ा हो, लेकिन कुछ ऐसे जो बिल्कुल लोग हैं जो, तो ये चीजें भाजपा अपने पक्ष में उड़ाने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन जो मुद्दे बेरोजगारी महंगाई, अब सवाल ये कौन मुद्दा भारी पड़ता है, फैसला उस पर हो। जो दीपक जी ने कहा कि 10 मार्च के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, मैं तो विनोद जी कह रहा हूँ ये मुद्दे आपस में जो है वो कितना एक दूसरे को काट पाएंगे। और मुझे लगता है, मेरा अपना अनुमान है संतोष जी, मेरा आकलन है, सही हो गलत हो तो 10 मार्च पता लगेगा, कि जितना मैंने लोगों से बात की है उतना लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, आवारा पशु, ये मुद्दे फिलहाल भारी पड़ते दिख रहे हैं। अभी तक जो लोगों से बात करने पे ये चीज एक नजर आती है, इसकी चर्चा ज्यादा होती है और जो वो मुद्दे हैं उनकी चर्चा कम होती है। एक चीज मैं कंक्लूड करूंगा इसको, एक लाभार्थी वर्ग जो भाजपा ने बनाया है, जिनको राशन, फ्री राशन 5 किलो या 10 किलो जो मिलता रहा है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर मिला या गैस सिलेंडर मिला, ये एक वर्ग जो है पिछले 5 साल में जो लाभार्थी वर्ग है, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कहते भी हैं, प्रवक्ता उस डिबेट में कि हमने जो दिया उसमें हिंदू मुसलमान अगले पिछले सब हैं। अब वो लाभार्थी वर्ग जो है क्या सिर्फ राशन पाने पर ही वोट करेगा, या उसके लिए भी महंगाई है, या उसके लिए भी आवाज, तो इसके, इसके, इसके नौजवानों के लिए भी जो है और तकलीफें हैं, तो मुझे लगता है ये भी देखना पड़ेगा कि या वो जातीय और सामाजिक जो आग्रह है उनके आधार पर भी वोट करेगा, क्योंकि ऐसे भी लोग पूछताछ में कि हमारा राशन तो मिल रहा है लेकिन वोट हम इसको देंगे, अपनी पसंद की पार्टी का नाम ले दिया उन्होंने। तो ये सब चीजें हैं जो इस चुनाव में जिनको रीड करना जरूरी है जमीन पर जाकर। ठीक।